friends, this is Sangam Foodie. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Estorvas 10mg tablet. A tablet Estorvas 10mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Estorvas 10mg टैबलेट। फ्रेंड्स, Estorvas 10mg टैबलेट एक शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर मैंने पहले बोला कि क्या शेड्यूल एच कैटेगरी के, चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, शेड्यूल एच कैटेगरी कहने का अर्थ होगा कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, वैसे सारे मेडिसिन को हम शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और थोड़ा देर मैंने पहले बोला क्या कि इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो चलिए जरा इसे भी समझ लेते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। डियर व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल इज अ फैटी सब्सटेंस Which builds up in our blood vessels. Cholesterol होता है क्या? एक तरह का fatty substance होता है। वो कहाँ होता है? वो हमारे blood vessels होता है, नली, रक्त नलिका, ठीक है? उसमें ये क्या होता है? जमा हो जाता है। उसमें ये जाके fat जमा हो जाता है। तो dear viewers, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। Friends, यह medicine statin category से belong करता है। अब जाहिर सी बात, हमने स्टम का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि सर what is the exact meaning of statin category? तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल शब्द में समझाऊं ताकि आपको अच्छे से और शानदार तरीके से समझ में आए और कुछ जानकारी आप यहां से गेन कर सकें। तो डियर व्यूअर्स, स्टेटिन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को रोकने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटिन कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। या तो इसे आप दूसरे शब्द में बोल सकते हैं टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कि जो प्रोडक्शन जो कोलेस्ट्रॉल कर रहा है उसको कम करने का काम करेगा, ठीक है? वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टेटिन कैटेगरी का मेडिसिन बोल सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में कि स्टेटिन कैटेगरी क्या होता है। सिंपली समझिए, स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, जो क्या करे? कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन को स्टॉप करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को लोग क्या बोलते हैं? स्टेटिन कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को Estorvas 10mg को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाई सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 5 नहीं 10 नहीं पूरे 15 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 70 रुपये से लेकर 80 रुपये के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेंगे, क्योंकि प्राइस होता क्या है कि हम समय के अनुसार वो क्या चेंज होते रहता है, वेरिएशन आते रहता है प्राइस में, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आए, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं Estorvas 10mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल Estorvastatin 10mg पाया था, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर किसी को ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल Estorvastatin 10mg पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है या डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो फ्रेंड्स नंबर वन इज ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, कि अगर किसी व्यक्ति ने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है और उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो, एलडीएल जिसको बोलते हैं, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, या डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल से जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं उसकी मात्रा ज्यादा हो, तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जैसे ही आपको पता करना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं, जनरली टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल, आप लिपिड प्रोफाइल करवाइए। अगर उस लिपिड प्रोफाइल के रिपोर्ट में अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या एलडीएल बढ़ा हुआ, उस जगह पर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर वन हो गया ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी या आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं। अब जब थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि सीएडी होता क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता क्या। फ्रेंड्स हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट का जो आर्टरी हो, पतला पतला जो आर्टरी आप देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फैट जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सीएडी बोलते हैं। फैट बिल्डअप ऑन द वेसल्स ऑफ हार्ट आर्टरीज, कि हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसके वाल पे जाके अगर फैट जमा हो जाए तो उसको सीएडी बोलते हैं। जनरली सिंपली समझो, हार्ट की जो आर्टरीज है उसके जो वेसल्स है, ठीक है, आर्टरी वेसल्स है, उसके अंदर अगर फैट बिल्डअप हो जाता है तो उसको हम सीएडी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज। सिंपली समझिए, हार्ट में जो नसें जाती है अगर उसके अंदर, ठीक है, फैट अगर जम जाता है तो उसको बोलते हैं सीएडी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली होता क्या, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन तो होता है लेकिन हार्ट से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस जनरली होता क्या कि हमारा जो ब्लड वेसल है, जो आर्टरीज है, जो हार्ट तक ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, तो अगर उस ब्लड वेसल में फैट जमा हो जाए तो जाहिर सी बात है जितना ऑक्सीजन हार्ट को चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, जिससे अगर हार्ट जोर से पंपिंग करना चालू करेगा और जोर लगाए, जिससे कारण सीधे में हेवीनेस फील होगा, भारी भारी फील होगा और दर्द होना चालू हो जाएगा, और जब दर्द होता है राइडिटिंग पेन ऊपर की ओर जाएगा, शोल्डर की ओर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। एंजाइना पेक्टोरिस को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, क्या बोलते हैं, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन बोल सकते हैं। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक या स्ट्रोक, कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक या स्ट्रोक से बचने के लिए भी करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या एटोरवास्टेटिन होता है, वो एक तरह का क्या ब्लड को पतला करेगा, क्या कर ब्लड को पतला करेगा, ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो उसको कोलेस्ट्रॉल को निकालेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा, तो हार्ट के जो आर्टरीज वगैरह है, जो नसें वगैरह है, वो ब्लॉकेज होगा, वो सीधा खुल जाएगा, इससे हार्ट अटैक से बचने का चांसेस शुरू हो जाते हैं। तो सिंपली इतने जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड, कि जैसे ही लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं अगर उसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा बढ़ा तो कभी कभी उसको भी कम करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिकली ट्राइग्लिसराइड स्पेशली बढ़ा हो तो उसके लिए फिनोफाइब्रेट ज्यादा बेटर माना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। सिंपली समझिए, ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, और रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि हालांकि ये इसका काम कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा सिंपल शब्दों में समझाऊं, ताकि आप अच्छे से समझें कि मेडिसिन आखिर काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन का काम बहुत सिंपल है, टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कि जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं क्या करता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है उसको रोकने का काम करता है, और साथ ही साथ एज वेल एज, ठीक है, ये क्या है, इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, डिक्रीज करता है, साथ ही साथ ये इस तरीके से ये काम करता है मेडिसिन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्रोल इंडिकेशन पर। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्रोल इंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्रोल इंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करने का, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्रोल इंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, इन द फैमिली वे में है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल का कंज्यूम कर रखा है तो उसको भी आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम न करे, इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते डायबिटिक पेशेंट, कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है, ठीक है, उसको डायबिटीज है, शुगर है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ रहे इसके कंट्राइंडिकेशन, इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन दिखे उस पेशेंट को आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया।
फ्रेंड्स ये बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर वन है नोजिया, आपका जी मिच लगा, फिर कहते वॉमिटिंग, हो सके तो आपको उल्टी हो जाएगा, फिर कहते डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल पानी की तरह पतला हो जाए, फिर कहते पेन अब्डोमिन, हो सके आपका जो पेट है वो दर्द थोड़ा बहुत करना चालू कर देगा, फिर कहते इंक्रीज लीवर एंजाइम, कि जैसे इस मेडिसिन को आप देते हैं और एलएफटी करवाएंगे तो उसमें जो लीवर का एंजाइम होगा वो आपको बढ़ा, जैसे एसजीपीटी हो गया, एसजीओटी हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेट हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये सब थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट ब्लूब्रिन हो गया, ये सब बढ़ा हुआ थोड़ा देखने को मिलेगा। फिर कहते हैं इंक्रीज शुगर इन योर ब्लड, इंक्रीज शुगर लेवल इन योर ब्लड, कि जैसे इस मेडिसिन हो सके कि मेडिसिन को लेने के बाद कि आपके ब्लड में, ठीक है, जो शुगर का लेवल वो इंक्रीज हो सकता है। फिर कहते हैं नेजोफेरेंजाइटिस, ये नाक का जो फेरिंग्स का जो रास्ता उसमें इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है। फिर कहते हैं डिजीनेस, हो सके थोड़ा बहुत आपको चक्कर भी, सर भी घूमेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जब डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को एडवाइस करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवेटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पर डोज हमेशा डिपेंड करता है। यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18 प्लस हो, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ 1 × ODHS की एक गोली रोज लेना है रात में खाना खाकर सोने से पहले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एस्टोरवास 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैसे यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे डोज होते हैं और कैसे मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।